Hello students, welcome back to our online classes. I hope you all are good. As you all know that due to this pandemic, we are not able to arrange offline classes. So again, we are starting with online. Okay, so not wasting much time in introduction, we will start. We will start from where we ended. In case if you missed any of my previous video, then you can check it on my YouTube channel. You will get all the videos that we had read so far. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 2, integers. This chapter is something new for you, so be careful in this chapter. Okay, so in this chapter we will learn more about numbers, like introduction to integers, representing integers on a number line, comparing and ordering integers, addition and subtraction of integers, absolute value of integers. These are the topics which we are going to understood in this chapter. So let's start with our chapter. In the last class we had already learned what is whole numbers and what is natural number. So what is whole number? When sets of natural number consist zero, it is known as whole number. मतलब जब natural number के set में zero include होगा तो उसको क्या बोलेंगे? Whole number. और natural number one से start होके infinity तक चलते हैं. Okay. तो whole number zero से start होके कहाँ तक continue रहते हैं? Infinite तक. और natural number one से start होके infinity तक. इंटीजर इक्वल्स टू आई और जेड. इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का साइन है आई या जेड. इन दोनों साइन की हेल्प से आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो व्हेनेवर वी आर लर्निंग अबाउट इंटीजर, फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर माइंड इज व्हाट इज इंटीजर. इंटीजर क्या होता है? इस तरह की नंबर लाइन आप सभी ने देखी ही होगी. तो व्हेन नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स including zero is known as integer. All negatives and positive number including zero is known as integers. Numbers minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 are called negative numbers. मतलब minus के जो numbers होते हैं minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and so on. तो उनको बोला जाता है negative numbers. And numbers 1, 2, 3, 4 and so on are called positive integers. Number 0 is considered neither positive nor negative. 0 na hi to positive integer hai aur na hi negative integer hota hai. Number line has, this is number line. Aap sabhi ne number line dekhi hi hogi. Number line ke right side mein positive integer likhe jate hai aur left side mein negative integer लिखे जाते हैं. नंबर लाइन हैज बोथ डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट. ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर नोन एज इंटीजर. जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. ओके, ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी मूव राइट फ्रॉम जीरो, जब अपन जीरो से राइट की तरफ मूव होते हैं वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड व्हेन वी मूव लेफ्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से जब लेफ्ट की साइड मूव होते हैं तो अपन को कैसे नंबर मिलते हैं? नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, लेट्स अंडरस्टूड सम एग्जांपल. इंटीजर, हाउ इंटीजर यूज्ड इन आर रियल लाइफ. इंटीजर कैन बी यूज्ड इन द रियल लाइफ फॉर फॉलोइंग पर्पस. बहुत सारे पर्पस के लिए अपन इंटीजर्स को अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं. जैसे बिजनेस में, बिजनेस में जब अपन कोई बिजनेस कर रहे हैं और अपन को उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को किससे शो करते हैं? पॉजिटिव इंटीजर से. और लॉस हो रहा है तो लॉस को शो करेंगे नेगेटिव इंटीजर से. बैंक में अगर अपन बैंक जाते हैं, अपन ने उधर अपना कोई पैसा डिपॉजिट किया, डिपॉजिट किया है मतलब क्रेडिट किया है अपने अकाउंट में, तो जब भी हम अपने अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर. दैट मींस अपने अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर. लेकिन अगर अपन अपने अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉ करने में अपन पैसे
निकाल रहे हैं तो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट होता है तो उसके लिए नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि अपने अकाउंट से पैसा कम हो रहा है, कम होगा तो नेगेटिव। हाइट विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल, अगर सी लेवल के ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, एंड सी लेवल के बिलो मतलब नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर। टेम्परेचर इन थर्मोमीटर, थर्मोमीटर आप सभी ने देखा होगा, कभी भी किसी को फीवर होता है तो जब अपन उसको मेजर करने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर अबव 0 डिग्री, 0 डिग्री के अप अगर अपना टेम्परेचर जाता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री के बिलो टेम्परेचर जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर। रिमेंबर द सिंबल फॉर इंटीजर इज जेड विच स्टैंड्स फॉर जेलिन, इट इज अ जर्मन वर्ड फॉर इंटीजर। सिंबल क्या होता है, जेड और आई बी होता है जो मैंने आपको आगे बताया ही है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर हैज करस्पॉन्डिंग नेगेटिव इंटीजर, हर एक पॉजिटिव इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर भी होता है, जैसे माइनस वन का पॉजिटिव इंटीजर 1, माइनस टू एंड 2, माइनस थ्री का अपोजिट 3, एंड सो ऑन आर नोन एज अपोजिट नंबर्स। ये दोनों अपने आप की क्या है, अपोजिट। द नंबर्स ऑफ इंटीजर इज काउंटलेस, मतलब इंटीजर्स जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो काउंटलेस होते हैं, इसीलिए उनको इनफाइनाइट भी कहते हैं। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, दैट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स इंक्रीज व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट ऑन अ नंबर लाइन। दैट मीन्स अब जैसे ही लेफ्ट से राइट की तरफ आओगे नंबर लाइन में, जो इंटीजर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी एंड डिक्रीज एज वी मूव राइट टू लेफ्ट। लेकिन अगर जब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे माइनस 10 से माइनस 9 क्या होता है, बड़ा, माइनस 8 9 से माइनस 8 बड़ा, इस तरह से आप जैसे जैसे आगे जाओगे आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर वैल्यू, 1 से 2 इंक्रीज, 3, 4, लाइक दिस, ओके। लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट में जाओगे तो इंटीजर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे 10 से 9, फिर 8, 7 एंड 0, माइनस 1, माइनस 3 एंड सो ऑन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1, राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ ऑपोजिट लिखना है और कुछ सोल्यूशन नहीं करना है। फर्स्ट इज डिक्रीज इन 20 पॉइंट्स, अगर 20 पॉइंट डिक्रीज हो रहे हैं तो अगर इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस, इंक्रीज इन 20 पॉइंट्स। तो क्या लिखना है, इंक्रीज इन 20 पॉइंट्स। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 400, अगर 400 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो अगर इसका ऑपोजिट करूंगी तो प्रॉफिट का ऑपोजिट लॉस, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ 400। सी इज 64 किलोमीटर साउथ। देखो आपको ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, इंक्रीज इन 20 पॉइंट्स, लॉस ऑफ रुपीज 400, 64 किलोमीटर साउथ, साउथ का ऑपोजिट होता है नॉर्थ, तो 64 किलोमीटर नॉर्थ। 280 मीटर अबव सी लेवल, अबव का ऑपोजिट बिलो, अपन को सिर्फ ये जो वर्ड्स हैं इनको पकड़ना है और इनका ऑपोजिट करना है, बाकी पूरा आगे ऐसे का ऐसे ही लिखना है। लूजिंग अ वेट ऑफ 6 kg, लूज करने का ऑपोजिट क्या होता है, गेन करना, तो गेनिंग अ वेट ऑफ 6 kg, लाइक दिस ओनली। लास्ट इज अ विड्रॉल ऑफ रुपीज 1000, विड्रॉ करना मतलब बाहर निकालना, बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करना, तो अगर इसका ऑपोजिट करेंगे तो विड्रॉल का ऑपोजिट क्या होता है, डिपॉजिट। कोई अगर पैसा बाहर निकाल रहा है तो कोई क्या कर रहा होगा, डिपॉजिट कर रहा है, तो डिपॉजिट ऑफ रुपीज 1000। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। इसमें अपन को क्या करना है, इन इंटीजर्स को उनके साइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है नंबर्स में। तो 13 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, बिलो का मतलब नीचे, तो नीचे के लिए अपन क्या करेंगे, माइनस, तो 13 डिग्री बिलो कैसे शो करोगे, माइनस 13 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड इज 70 मीटर अबव सी लेवल,
सी लेवल के अबव मतलब ऊपर है, ऊपर के लिए क्या साइन यूज करेंगे, प्लस, तो 70 मीटर प्लस का हो जाएगा, 40 डिग्री अबव 0 डिग्री, अबव के लिए प्लस, तो 40 डिग्री के लिए कैसा हो जाएगा, अबव है तो प्लस 40 डिग्री, 80 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो मीन्स नीचे, तो 80 डिग्री माइनस का, ऑपोजिट ऑफ माइनस 51, माइनस 51 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस 51, ऑपोजिट ऑफ माइनस 51 को किस तरह से शो करूंगे, प्लस 51, लॉस ऑफ रुपीज 125, लॉस के लिए कैसा साइन, नेगेटिव साइन, मतलब माइनस का, माइनस 125 रुपीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी अपन को ब्लैंक्स फिल करनी है। द ऑपोजिट ऑफ माइनस 15 इज, माइनस 15 का ऑपोजिट क्या होगा, प्लस 15, तो 15, हमेशा प्लस के लिए अगर अपन कोई साइन नहीं लगाएंगे तो चलेगा, क्योंकि प्लस के लिए नॉर्मली साइन नहीं लगाया जाता है, लेकिन माइनस का साइन आपको रिप्रेजेंट करना ही होगा। नेक्स्ट इज जीरो इज कंसिडर नाइदर ब्लैंक नॉर ब्लैंक, जीरो क्या नहीं है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लैंक नंबर्स एंड ब्लैंक नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज इंटीजर, तो इंटीजर की डेफिनेशन क्या बताई थी, यस द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स एंड लेस देन पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर, तो माइनस 91 इज सक्सेसर ऑफ माइनस 92, तो ये आप नंबर लाइन पे देख के चेक कर सकते हैं कि 92 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, माइनस 91। प्रीडिसेसर ऑफ जीरो इज, जीरो का प्रीडिसेसर क्या हो जाएगा, माइनस 1। ओके, यूजिंग द नंबर लाइन पुट ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इन द बॉक्स, अब इन बॉक्स में अपन को ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाना है नंबर लाइंस को यूज करते हुए, मतलब नंबर लाइंस ध्यान रखनी है। ओके, तो फर्स्ट इज जीरो और माइनस फाइव, तो माइनस फाइव नंबर लाइन पे अपन किधर लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो देखो ये रहा जीरो और ये रहा माइनस फाइव, तो जीरो के लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो जब भी अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो अपनी वैल्यूज क्या होती हैं, इंक्रीज होती है, तो माइनस फाइव बढ़ा या जीरो, यस जीरो, तो साइन कहाँ लगेगा, जीरो की तरफ। नेक्स्ट इज माइनस सेवन और माइनस फोर, माइनस सेवन माइनस फोर लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, साइन वैल्यूज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो सेवन और फोर में से कौन सा बड़ा है, माइनस फोर, तो माइनस फोर की तरफ साइन लग गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू के बाकी क्वेश्चन आई होप सो कि आप लोग नंबर लाइन को देखकर कर सकते हो। तो मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझने से पहले एक टॉपिक समझ लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स विदाउट कंसिडरिंग इट्स साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि आप उस इंटीजर का साइन कंसिडर मत करो, विदाउट कंसिडरिंग इट्स साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर एन इज डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट एन, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट और एन, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू होती है तो वो नेगेटिव से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एन, पॉजिटिव एन की वैल्यू कितनी होती है, एब्सोल्यूट एन, और नेगेटिव एब्सोल्यूट एन की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव एन। ओके, तो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस एट की निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, प्लस एट, और प्लस 75 की 75 ओनली, तो समझ में आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द ब्लॉक बॉक्सेस यूजिंग ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन का साइन लगाना है, ये भी सेम क्वेश्चन ही है,
तो 23 माइनस 23 और माइनस 41, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? नंबर लाइन पे 41 अपन लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो 41 पहले आएगा और फिर 23 आएगा माइनस का, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? 23, तो इस साइड में एरो बन जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 63 और 63, तो माइनस 63 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63 पॉजिटिव, तो 63 और 63 कैसा होता है? इक्वल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इक्वल। 100 और माइनस 125, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला बड़ा है। एक 70 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 60, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 60 क्या हो जाएगा? 60, तो 70 और 60 में से कौन सा बड़ा है? 70। ये दोनों आप ट्राई करोगे? ओके। नेक्स्ट इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। अब अपन को इस क्वेश्चन में क्या करना है? एडिटिव इनवर्स लिखना है, मतलब जो भी है क्वेश्चन उसका ऑपोजिट लिखना है। तो 123 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का इनवर्स नेगेटिव, तो 123 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस 123। माइनस 34 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? प्लस 34। जीरो का जीरो, क्योंकि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। माइनस 230 का प्लस 230। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग अपन ने पहले ही पढ़े हुए हैं कि व्हेन वी आर अरेंजिंग अ नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर देन इट इज नोन एज असेंडिंग ऑर्डर, एंड व्हेन वी आर अरेंजिंग अ नंबर फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर देन इट इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो नंबर लाइन को ध्यान में रख के लेफ्ट से स्टार्ट करना है राइट पर, तो लेफ्ट साइड में इन नंबर्स में लेफ्ट साइड में सबसे पहले कौन सा आएगा, मतलब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा, छोटा कौन सा है? माइनस 20, फिर माइनस 18, फिर माइनस 17, माइनस 16, माइनस 12, 11, देन 15। सो आर आंसर इज लाइक दिस, माइनस 20, माइनस 18, 17 माइनस का माइनस 16, माइनस 12, 11 और 15। नेक्स्ट इज 28 माइनस 31 माइनस 5, 14 माइनस 63, 20, 11 और माइनस 22। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? माइनस 63, उसके बाद माइनस 31, उसके बाद माइनस 22, देन माइनस 5, आफ्टर दैट 11, देन 14, देन 20 एंड लास्ट इज 28। तो इस तरह से आपको नेगेटिव स्मॉल से बिगर अरेंज करना है। तो आई होप यू कैन डू असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर आप इन्हीं नंबर को ऑपोजिट अरेंज करते हैं, मतलब बड़े से छोटा, तो वो क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लें, सबसे छोटा बड़ा कौन सा है? 16, तो फर्स्ट पे ये आ जाएगा, देन 15, आफ्टर देन 13, फिर 12, 8, आफ्टर दैट माइनस 8, देन 10 माइनस का एंड देन माइनस 12, लास्ट इज माइनस 12। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, 16, 15, 13, 12, 8, माइनस 8, माइनस 10 एंड माइनस 12। नेक्स्ट सी वाला, सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से? 88, आफ्टर दैट 70, देन 51, 32, 9, 0, माइनस 35, माइनस 45 एंड माइनस 59। सो आई होप यू कैन डू दिस सम। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन माइनस 1 एंड 5। तो माइनस 1 एंड 5 के बीच में क्या क्या आता है? 0, 1, 2, 3, 4। तो आपको यही सब नंबर्स लिखने हैं इस तरह से।
0, 1, 2, 3, 4. Next question is, write all the even negative integers greater than minus 8. माइनस एट से बड़े इवन नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं. तो इवन नंबर 642 माइनस एट से राइट एंड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अपना नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ये माइनस सिक्स, माइनस फोर और माइनस टू, ये नंबर्स क्या हैं, माइनस एट से बड़े भी हैं और इवन नंबर भी है. नेक्स्ट इज डी वन, सी वाला आप लोग ट्राई करना. डी, राइट ऑल द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम माइनस फाइव टू सिक्स. माइनस फाइव से सिक्स ले प्लस सिक्स तक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, मतलब जो नंबर नेगेटिव नहीं हो. तो माइनस फाइव से माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, ये सब तो क्या है, नेगेटिव है. तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से. तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, ये सारे क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. लास्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द टेम्परेचर ऑफ फाइव सिटीज नोटेड ऑन अ पर्टिकुलर पीरियड्स विंटर मॉर्निंग. विंटर मॉर्निंग का ये पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया हुआ है. आपको क्या करना है, राइट द टेम्परेचर ऑफ गिवन सिटीज इन इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर ऑन द नंबर लाइन. तो आपको ये टेम्परेचर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, फिर इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं जो आपको क्वेश्चन ए और बी में पूछे गए हैं. तो सबसे पहले इंटीजर रिप्रेजेंट कर देते हैं. फर्स्ट इज न्यूयॉर्क का है 3 degree बिलो मतलब माइनस थ्री, मुंबई 12 degree अबव मतलब प्लस 12. तो नेगेटिव माइनस थ्री यहाँ पे और प्लस 12. सिडनी का है 9 degree अबव, लंदन का है 4 degree अबव एंड चिकागो का है 5 degree बिलो. तो 9 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव. तो 9 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव. तो ये सारे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए. विच इज द कोल्डेस्ट सिटी, सबसे ठंडी सिटी कौन सी है, कोल्डेस्ट, जिसका टेम्परेचर सबसे कम होगा वो सबसे कोल्डेस्ट है. तो सबसे कम किसका टेम्परेचर है, माइनस फाइव डिग्री. माइनस फाइव किसका टेम्परेचर है, चिकागो का. तो सबसे कोल्डेस्ट सिटी कौन सी है, चिकागो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैव टेम्परेचर लेस देन 0 degree. 0 degree टेम्परेचर लेस, जीरो से लेस देन किस सिटी का टेम्परेचर है. तो एक तो है माइनस थ्री और माइनस फाइव. तो ये दोनों कौन से सिटी के हैं, न्यूयॉर्क एंड चिकागो. तो आई होप यू कैन यू हैड अंडरस्टूड एक्सरसाइज 2.1. थैंक यू.